शाहपुरा जनपद पंचायत सीईओ गणेश पांडे के खिलाफ ग्राम पंचायतों के मटेरियल सप्लायरों ने कमीशन मांगने का आरोप लगाया था और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद सचिव और सरपंच व जनपद पंचायत के कर्मचारी सीईओ के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने सप्लायरों के आरोप को झूठा बताया है और उन पर कार्रवाई करने की मांग की। जनपद पंचायत सीईओ गणेश पांडे के खिलाफ मटेरियल सप्लायरों ने कमीशन मांगने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सचिव एवं सरपंच और जनपद पंचायत के कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सीईओ के खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताते हुए मटेरियल सप्लायरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रोजगार संघ के अध्यक्ष अरुण राय ने कहा कि सप्लायरों ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों में निर्माण के कार्य एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं और एजेंसी की ही सत्यापन से लेकर रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। हम सप्लायरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। वहीं सरपंच संघ अध्यक्ष राजू कुशराम ने कहा कि सप्लायरों ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सप्लायर है वीरेंद्र तिवारी, उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के ऊपर 6% कमीशन मांगने का जो आरोप लगाया है, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, ग्राम पंचायत अधिनियम में जो निर्माण कार्य एजेंसी वो ग्राम पंचायत होती है और निर्माण से लेकर संपूर्ण सत्यापन से लेकर के रखरखाव की जिम्मेदारी भी एजेंसी की होती है। आदतन शिकायत करता है उसके ऊपर हम कार्रवाई की मांग करते हैं। आज जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदयों के ऊपर शिकायत हुई है, कल एजेंसी के ऊपर होगी। अतः इसकी मैं तो कड़े निंदों से, कड़े शब्दों में घोर निंदा में व्यक्त करता हूं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इसमें उस संबंधित सप्लायर के ऊपर कार्रवाई होना नितांत आवश्यक। मामला ये है कि जो हमारे सीईओ साहब के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार झूठ है, क्योंकि निर्माण एजेंसी जो है ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव के अलावा भुगतान करता भी ग्राम पंचायत है और बिल वाउचर संधारण करने का भी काम ग्राम पंचायत में है। ये सब कुछ जो कार्य किया जा रहा है ग्राम पंचायत में ही किया जा रहा है और जो सप्लायरों द्वारा जो ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार असत्य है, झूठ है, इसकी जांच की जावे और संबंधित सप्लायर के ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम निशा नापित शर्मा ने कहा कि सप्लायरों ने सीईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सरपंच, सचिव और जनपद पंचायत के अन्य कर्मचारियों ने सीईओ के समर्थन में ज्ञापन सौंपा है। मामले की जांच की जा रही है। सभी कर्मचारियों के द्वारा में कुछ सप्लायर थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें मतलब कुछ आरोप लगाए गए थे सीईओ जनपद के ऊपर, ये कुछ मनरेगा के कार्य में इस तरह से कुछ कमीशन मिल गया है। लेकिन आज अन्य सरपंच और सचिवों के द्वारा एक और ज्ञापन सौंपा गया है, तो उसमें उन सप्लायरों के विरोध में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उन सप्लायरों का उन कामों में कोई उनका कोई मैंने उनका उन पर कुछ योगदान नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना, जबकि वो सरपंच और सचिव के स्तर पर पंचायत से वो कार्य किए जाते हैं और सारा भुगतान भी उन्हीं के स्तर से किया जाता है, ऐसा उन्होंने आज इस तरह से ज्ञापन दिया है। ये मतलब दोनों ही चीज़ों को मैं जांच करवा के उनकी यथास्थिति जो भी मेरे सामने आए वो अवगत कराऊंगी वरिष्ठ कार्यालय को, मैंने कलेक्टर महोदय को इस संबंध में जो भी मेरे संबंध में जानकारी में आएगी जांच के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।